सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वो लड़की, पता नहीं वो क्या सर्कस दिखाने वाली, कुछ क्या कपड़ा टाइप का है जो लंबा सा है, वो अपना कपड़ा अपना कमर में बांध रहा है टाइट से ताकि वो खुल ना जाए करके। और उसमें वो लड़का देख सकते हैं मतलब उसके साथ, मतलब वो भी झूल ही रही है, मतलब क्या बोलेंगे, पर घिंदर रहा है, मतलब बाप रे बाप। मेरे को ये वाला सबसे अच्छा लगा देखने में, ठीक है, मतलब दोनों ये सबसे मस्त है, जो सर्कस में अभी जो लगा था सबसे मस्त यही देखने में बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था ना शक्तिमान जैसे उड़ता है ना परी लोग, अपना कपड़ा पकड़ के उड़ते हैं, बस वैसे ही उड़ रहा था जैसे फील हो रहा था मतलब देखने से, और बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में। सो कैसे आप सब, आई होप कब सब ठीक होंगे। तो गाइस हम लोग भी ठीक है, और जैसे कि देख सकते हैं मैं अभी बस रेडी हूँ, रेडी होने से बस कपड़ा बस पहने हुई हूँ, और आज हम लोग, मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ, और आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो आज है 22 फरवरी, ठीक है, और आज रामगढ़ में मेला आज से स्टार्ट है। तो बोला जाता है कि जहाँ पे मतलब बाजार होता है, जो रामगढ़ के लोग होंगे उनको पता होगा, जहाँ पे बाजार बजता है, मतलब मार्केट लगता है, मार्केट नहीं बोल सकते बाजार, क्योंकि क्या बोलते हैं चट्टी बाजार ऐसा कुछ बोला जाता है, मुझे भी इतने ठीक से पता नहीं है, मैं कभी गई नहीं हूँ, एक बार गई थी मुझे याद है, ठीक है। तो वहाँ पर ही मेला लगा हुआ है, तो फिर हम लोग क्यों ना 10 साल के बाद लगा हुआ है, ठीक है, 10 साल के बाद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेला जाएंगे। तो फिलहाल जैसे कि देख सकते हैं मैं अभी आज वन पीस पहनी हुई हूँ, ब्लैक कलर का बस यही पहनी हुई हूँ, अभी जाऊँगी रेडी वेडी होंगी, बाल बनाऊंगी, थोड़ा मेकअप करूंगी, लाइटिंग वाइटिंग, उसके बाद जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग भी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, आप लोग को भी दिखाती कि हमारा रामगढ़ में कितना अच्छा मेला लगा हुआ है, और मेला में क्या क्या लगा हुआ है। सुनने में तो आ रहा था सर्कस भी था, ठीक है, सर्कस भी लगा हुआ है। तो सर्कस का बात से मुझे याद आई, यार मैं छोटी थी ना उस टाइम, मतलब मैं पापा मुझे यहाँ कंधे पे बिठा के ले जाते थे सर्कस दिखाने, मुझे अभी भी याद है, और तब से मैं सर्कस उसके देखने गई नहीं हूँ। तो अब मैं जैसे कि बड़ी हो गई, अब देखो मैरिज के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सर्कस देखने के लिए, ठीक है। तो इस फाइनली जैसे कि देख सकते हैं एकदम मैं रेडी हूँ, और जैकेट वगैरह मैं भी पहन रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा बाहर, और ऐसे में शॉर्ट्स पहने हुए तो और भी ज़्यादा हो सकता है ठंड। अब तो पता नहीं ठंड थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी बाइक में जाएंगे तो अभी ठंड तो लगेगा। और हम लोग बाबू को छोड़ दे रहे हैं, आज लेके नहीं जा रहे हैं, बाबू सो गया उधर, दिखा गुरु देख सकते हैं बाबू सो गया है, तो बस इसलिए हम लोग बाबू को लेके नहीं जा रहे, बस हम लोग जा रहे गोलूर में, भैया लोग के पास बाबू छोड़ दे रहे हैं। तो फिर चलिए, और मेला का क्या नाम है मुझे नहीं पता, जाके वहाँ पे बताएंगे, ठीक है, क्या रिलैक्स कुछ ऐसा करके मेला का गोलू को पता हो, क्या क्या गोलू क्या है मेला का, रोलेक्स सर्कस, रोलेक्स सर्कस है। तो चलिए चलते। तो जैसे कि देख सकते हैं रात का व्यू है जो काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना कैमरा में मतलब कैप्चर किया जाए। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है जो हम लोग करमगढ़ का ओवर व्यू है जो कि न्यू बना है। सो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लाइट वगैरह बाइक से बाहर होता जा रहा था, काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसको भी वीडियो कर लिया और अपना वीडियो मैंने एडिट कर, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मैं पूरा हवा में मस्त उड़ रही जैसे फील हो रहा था, गोलूर में हम दोनों मस्त जा ही रहे बाइक, फिर भी पता है ठंड लग रहा था, मैं फिर भी जगह पर ठंड कम हो गया, फिर भी अब ठंड लग रहा है, फिर बोल रही गोलू को यार देखो ना यार आ रही कितनी मस्त लाइटिंग वगैरह आ रहा है, फिर हम लोग चल रहे आगे गाड़ी जाम होने वाली, ट्रैफिक जाम लग रहा था दूर से, ट्रैफिक जाम ही करके गाइस बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था, इसकी वजह से हम लोग एक छोटा सा गली जैसे मिला, हम लोग गली गली कहाँ कहाँ से पार हो रहे हो तो मुझे भी नहीं पता, गोलू मुझे पार करके ले रहा है, ओएमजी कहाँ कहाँ से निकाल रहे हो यार, कुछ आगे बोलो तो, शॉर्टकट हम लोग शॉर्टकट पे जा रहे हैं। गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं मेले सर्कस पे, देख सकते हैं पीछे का व्यू कुछ इस टाइप का है पीछे, अच्छा अच्छा आकाश पहले पहुंच के बोल रहा है पीछे है, पीछे जा रहे हैं उसके पास अभी। चलिए मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सो जैसे कि देख सकते हैं ये रहा पीछे का बैकग्राउंड, जैसे कि देख सकते हैं कुछ स्टेप का इधर गाड़ी पार्किंग वगैरह लगा हुआ है, और अंकल आंटी हम ही लोग को घूर रहे थे फिर इधर भी कुछ ऐसे मतलब आइसक्रीम वगैरह जो होता है फास्ट फूड वो सब लगाया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ओपन वहाँ पे, और इधर खड़े हैं गोलू आकाश इधर खड़े हैं, तो बोले अब चलो अंदर चलते हैं, तो फिर बोला टिकट विकट लिए नहीं लेके जाए। सो अभी टिकट काउंटर पे आ गए हैं, टिकट लेके जाएंगे, यहाँ पे टिकट काउंटर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर, टिकट दिखाओ आकाश, इस टाइप का टिकट है जैसे कि देख सकते हैं, चलो एंट्री।
अब अंदर आ चुके हैं और अंदर आके बैठ चुके हैं। मैं आकाश गोलू इधर और इधर मेला भी पूरा स्टार्ट हो चुका है जैसे कि देख सकते हैं। और वहाँ पे एक लड़की मतलब है, जैसे कि दूर से आप लोग ध्यान से देखिए, वो पूरा अपना काला दिखा रही है कपड़ा के साथ में, अपना पैर बांध के अपना हाथ से फिर ऊपर उठ रही है, चल रही है और उड़ने की कोशिश कर रही है जैसा लग रहा है मुझे तो। मतलब कुछ कुछ अपना काला दिखा रही है और डिजाइन अपना खुद का बॉडी को मूवमेंट करके बना रही है। और यहाँ पर और एक लड़का, ये पता नहीं क्या मतलब, ऐसा कुछ तीन एक सामान है जिसको हाथ से फेंक के मतलब तीनों को एक ही साथ कैच कर रहा है। फिर यहाँ पे जैसे कि इसका ख़त्म हो गया शायद, हाँ ख़त्म हो गया। फिर अब जा रहा है इसको रखने के लिए, फिर रखने के लिए जा रहा है। अब देखो दूसरा कुछ लेके आ रहा है जो बिल्कुल एक रिंग जैसा है, रिंग जैसे बोले रिंग लाइट का कैसा होता है, ऐसा लग रहा है रिंग लाइट है जैसा, जैसे देखिए एकदम पूरा सेम वैसे ही। अब इसको भी यही फेंक रहा है, तो ये तो मुझे बहुत ईजी लगा क्योंकि ऐसा तो बहुत देखे हैं हमें टीवी वगैरह में ऐसे देखते हुए। अब इसमें रियल में देखे तो इतना कुछ खास नहीं लगा ये वाला तो, क्योंकि ये वाला सब देखते रहते हैं टीवी वगैरह में इसीलिए। सो अभी ये फेंक रहा है। पता नहीं ये एक भैया जो भी हो ब्लू कलर का जो अभी ड्रेस पहने हुआ रही आ रही है, तो आगे में पब्लिक आ जा रहे थे और ये देख सकते हैं। और ये अभी कुछ मतलब करने वाला है ये, जैसे कि देख सकते हैं ओहो उसको टान के एकदम फेंका जा रहा है। अच्छा अरे बाप रे बाप रे बाप, डरनम का चीज़ नहीं है मतलब, वैसे कैसे यार, इसको तो लग रहा है क्या मछली से क्या मतलब चिड़िया से ऐसे उड़ रहा है रस्सी पकड़ के। फिर चला गया मतलब, ऐसा लगता है इधर देख सकते हो पूरा भारी मात्रा। और गोलू बोलने लगा यार ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ, जैसा लगा मुझे देख के ऐसे बोलने लगा तो तुम कर लेगा उसको बोलकर मैं उसका गाल टालने लगी। फिर अभी फिर ये रस्सी पकड़ा और अब लगता है फिर भी ऐसा कुछ करने वाला है। हाँ ये खुद को राउंड राउंड कर करके ऊपर चढ़ रहा है, जैसे कि मतलब ऐसे घूर घूर के ऐसे लग रहा है इसको चक्कर उक्कर नहीं आ रहा है क्या, मतलब खूब घूर घूर के ऐसे कौन घूरता है, अगर थोड़ा सा मैं ऐसे करके राउंड अगर घूर लो तो मुझे चक्कर आता है, सर और दर्द होने लगता है। ये इंसान देखिए और ऐसे राउंड राउंड करके नीचे भी आ रहा है, मतलब सोच ही सकते हैं इन लोग का टैलेंट, बाप रे बाप। अरे हंसी आ गया है सब देख के, ऐसा लगा हम लोग इसी सब को देखने गए थे। हाँ शक्तिमान भाई उतर जा अब। यहाँ पे कुछ लड़की जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे वो अपना कुछ ग्लास है, ग्लास में वो अपना दोनों हाथ में वो मतलब कितना 4 4 8 12 मतलब ऐसे ग्लास एक हाथ में ऐसा करके लेके वो अब क्या कर रही है पता नहीं, वो सर नाचने वाली है क्या, नहीं नहीं वो शौक है अपना, बस कला दिखा रही है। और एक लड़की आई वो क्या कर रही है, अच्छा पेयर्स अपना लेके गई। और फिर इधर देख सकते हैं नेपाली लोग आ गए, ठीक है अब सॉफ्ट वगैरह भाई नेपाली लोग यहाँ पे कैसे आ गए, जैसे कि देख सकते हैं नेपाली लोग दो लड़की है और यहाँ पे 3 लड़का आया हुआ है। और जैसे कि देख सकते अब ये लोग अपना कुछ कला करने वाले हैं। और ये रहा उन लोग का पता नहीं कुछ चक्कू जैसा कुछ दिख रहा है, मतलब ऐसे चक्कू तो नहीं बोल सकते लेकिन चक्कू जैसा ही कुछ है। ओ भाई साहब वहाँ पे वो गया और अपना मतलब कैसे बोलेंगे, बाप रे बाप उसका ऊपर में चढ़ के मतलब कला दिखा रहा है। अरे भाई चक्कू के साथ, हाँ ये चक्कू की नकली वाला होगा क्योंकि असली होता तो वो कभी ऐसा नहीं कर पाता। हाँ देख लिए हाँ आप देख सकते हो पीछे तरफ से वो कर रहा है। हाँ ठीक है देख सकते हैं चूतिया बना रहा है सबको। हाँ नकली वाला होगा जो आता है ना नकली वाला चाकू, मुझे लगता है वही कुछ होगा। अच्छा ढेजू बोला जाता है उसको, हाँ मेरा हस्बैंड बोल रहे ढेजू बोला जाता है, हाँ वही कुछ होगा क्योंकि असली वाला में पॉसिबल ही नहीं है गाइस कि उसका ऊपर में जाके मतलब ऐसे हो सको खड़े हो सको, ऐसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नेपाली लोग को ऐसा कुछ खास दिखाए नहीं, अब क्या करना है। हाँ बस ऐसे ऐसे कर रहा है, हाँ ये टाइगर सब बन रहा था अब। अब हो गया सर, अच्छा इन लोग का ये कल्चर है सर जैसे ये लोग कर रहे हैं, अच्छा हाँ हो गया उन लोग ख़त्म। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक लड़की आ गई है, अरे वाह वो नच रही है, लेला में लेला ऐसी लेला, अरे कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, ऐसा गाना बज रहा था पीछे से बोना आ रहा था, बाप रे बाप सबको इसको देख कितना खुश हो गए। फिर लाइट जल गया ऊपर से देख सकते हैं बोना को देख के सबको ही बड़ा भारी मात्रा में खुश हो गए, सबके ऊपर चिल्लाने लगे, अरे भाई वाह 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 बोल के।
फिर वो भी इधर आ गया। अब लड़की वहाँ पे पूरा रिंग ले लेके नाच रहा है और इधर से कोई फेंक रहा है उसको रिंग दे दे के, और हाथ में एक रिंग लेके घुमा रहा है और अब कमर में दोनों को लेकर घुमा रहा है। लो उसका रिंग भी गिर गया। अब देखो बोना का पारी, देखो ये होता है ना, देखो तीन तीन के साथ, अरे 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 होना वाना। ये तो पूरा घूम रहा है, इसे लग रहा है रिंग के अंदर में इतना छोटा सा है वो अट भी रहा। बाप रे बाप, इसका भी कला खत्म हो गया। बोला अब जा रहा है, अब कौन आने वाला है नेक्स्ट देख सकते हैं। ये एक और लड़का है, बाप रे बाप अपना कला दिखा रहा है। और कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे वो खड़ा होकर अपना मतलब कला दिखा रहा है, बाप रे बाप। और ये कुछ फेंक रहा है, उसको कच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे तीनों मतलब क्या तीन चीज़ है पता नहीं, हाथ से वो खेल रहा है, फिर उसको खुद दे रहा है, कैच कर रहा है और नीचे वाला लड़का फिर अब हाँ 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 भाई हम देख रहे देख रहे देख रहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तालियाँ तालियाँ। अच्छा फिर अभी इसका ऊपर में शायद करने वाला है ना। हाँ हाँ हाँ, वैसे दूर में बैठा हुआ था, आप लोग को फ़ोन में अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा। फिर यहाँ पर जैसे आ गए, फिर चाइना लोग आ गए और यहाँ पर कला करना अपना स्टार्ट कर लिया, जैसे कि देख सकते हैं। और मोटी का कर रही है भाई, उधर साइड में नाच रही है ना गया। हाँ देखो देखो ये लोग का कर रहा है, लोग लग रहा है ये लोग अपना डांस करेगा का। नहीं नहीं डांस वांस कुछ नहीं कर रही है, तो बस अपना अपना एक दूसरे के ऊपर में पेड़ के जैसे चढ़ रहे हैं और अपना कला दिखा रहे हैं और क्या। फिर यहाँ पे फिर एक गए, सबसे मस्त मुझे ये लोग बहुत ये वाला लगा, मतलब ये लड़का लड़की इतना मस्त परफॉर्मेंस दिए ना कि बहुत अच्छा लगा ये वाला, जैसे ही देख सकते हैं आप लोगों को भी देखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये लोग पूरा मस्त ऐसा लग रहा था ना, ये लोग उड़ रहे, परी ये उड़ रही है। ये देखिए यही वाला एक बहुत अच्छा लगा देखने में। क्या हुआ अभी देख सकते हैं कैसा कर रहा है। और जैसे कि देख सकते हैं ये बांध रही है अपना दोनों हाथ में, कि हाथ में और ये लोग को देखो, ये होता है सर्कस, ऐसा कुछ दिखाना चाहिए तब ना मज़ा आ जाता। वाह देखो देखो ये होता है सर्कस, पूरा मस्त ये घूम रहा है ऊपर में, पूरा मस्त उड़ रहा है जैसे कि देख सकते हैं। अरे अरे बाप रे बाप रे, इन लोग को देखने में बड़ी मज़ा आया था जब हम लोग मैंने फर्स्ट फर्स्ट देखी तो, अरे भाई ऐसा लगा ही नहीं कि ये लोग इतना कमाल करें, क्योंकि जितना भी लोग आए इतना कोई खास किया नहीं, लेकिन यही लोग थे जो बहुत अच्छा लगा इन लोग को देखने। और इधर आ गए साइकिल वाला, वाह क्या है, एक साइकिल से राउंड राउंड करके दिखा, ये होता है सर्कस। देख सकते पूरा मस्त है, ऐसा साइकिल शायद मैं भी चला सकती हूँ ऐसा लगा मुझे, ऐसा फील हुआ। अरे भाई ये लोग अपना अपना मस्त पूरा कला दिखाए, जैसे कि देख सकते हो बाकी तीन उधर चले गए और दोनों बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग और थोड़ा सा दिखाए गए। और इधर देख सकते कोई एक इंसान था, वो पानी निकाल रहा था अपना मुंह से इतना सारा, मतलब पीते जा रहा था, एक एक बाल्टी पीता था पानी और पूरा पी के ख़त्म करता था, उसके बाद फिर निकालता था। जैसे कैसा है, आप लोग सोच रहे थे ना उसका अंदर में कोई टंकी उंकी फिट करा हुआ है क्या। देखिए फिर मछली भी खा रहा था, ठीक है, और देखिए मछली निकाल दिया, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मछली भी पानी पीता है उसका मुंह से मछली निकालता है। अब ये कितना सच है ये तो नहीं पता, कच्चा मछली कोई निकाल सकते यार अपना मुंह से। और इधर आकाश बोला यार कुछ खाते हैं, तो मुझे बोला पॉपकॉर्न खाएगी, बोला अच्छा ठीक है ले लो, बोला तो खरीदा वही, हम तीनों बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं जैसे कि देख सकते हैं। वाह, और एक बकरी, अब बकरी अपना कला दिखाने वाला है। अब सोचते हैं यार जानवर लोग को अभी इतना आइडिया है, उन लोग कैसे दे देते हैं कि भाई यहाँ रस्सी से चढ़ के जाना है और अपना कला दिखाना है, वही हम सोच रहे थे, ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं है ऐसा सोच रही थी मैं। जैसे कि देख सकते हैं पूरा वो डर डर के जा रहा है बेचारा बकरी, मैं इतना डर रहा है कि कहीं गिर ना जाए, पर इतना धीरे 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 धीरे, देखिए ना उसका पैर सब भी ऐसे थर 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 काँप रहा है जैसे दिख रहा है, थोड़ा 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 रुक के जा रहा है। अब देखो फाइनली यहाँ पहुँच गया वो बकरी भी, पूरा रुक के वो शायद आगे में एक इंसान है जो कि कुछ पकड़ा है हाथ में मारने वाला, दौरी शायद तो दौरी हाँ वो कुछ भी हो आप लोग क्या बोलते पता नहीं। अब इधर आ गया गन वाला लड़की लोग, जो साइकिल करने वाला लड़की आई थी ना यही है वो लड़की लोग, यही है जो गन वाला लड़की है, मतलब ये लोग अपना गन अभी यहाँ से करके उसको क्या मारना है, उसमें बैलून्स है आगे में, उसको बैलून्स मारना है
देख सकते हैं। बहुत अच्छा दिख रही थी एक लड़की वहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं ये नेपाली लोग पता नहीं क्या करने आए हैं यहाँ पे, क्या दिखा रहे। सो ये भी वही तीनों नेपाली लड़का लोग यहाँ, वो एक दूसरे को पकड़ के वो मतलब अच्छा नीचे से करके उसको फेंक रहा है ताकि वो जंप करे। हाँ बस हो गया, ऐसा ऐसा कुछ अपना अपना कला यहाँ पे दिखा रहे हैं। और क्या जैसे जो हो अब उसको पकड़ के वो मतलब ऐसा चल रहा है और उसको ऐसे उठा रहा है। ये वाला कुछ इतना खास है नहीं वैसे ना, कुछ समझ नहीं आया और मुझे इतना कुछ अच्छा भी नहीं लगा ये वाला। जैसे कि देख सकते हैं बस चेयर फेंक रहा है। अरे भाई मत फेंक, टूट टूट जाएगा चेयर तो, हो गया लेने का दर। और ये रहा लास्ट में, पता नहीं कुछ लड़की लोग आ रही है जैसे कि देख सकते हैं। OMG अब लाइट भी लोग बंद कर दिया पता है, और इसमें स्टेप का कुछ लाइटिंग दिया है जिसमें डांस होने वाला है, डांस करने वाली है लड़की लोग। जैसे कि देख सकते हैं ये लोग नाच रही है अपना। और देखिए आ गया रॉकी भाई, मतलब मैं भोना आ गया, देख सकते हैं भोना फिर नच रही है। ओहो वाह 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 वाह। हाँ यहाँ का थोड़ा कोई इससे खास तो नेपाली लोग तो इतना पोलियो है, उस लोग को नाचना भी नहीं आता था। हाँ ये जो आगे वाली लड़की जो है इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में, यही एक थोड़ा अच्छी बहुत नाच रही है, नाच रही थी, नहीं तो बाकी कोई इतना कुछ खास नाच नहीं रहे थे लोग। हाँ देख सकते हैं पूरा मस्त हो। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अरे गोलू बोर लग रहा है यार, फिर बोले हम दोनों बोल, फिर ऐसे ही एक दूसरे को देख रहा था, फिर जाके ऐसे ही मैंने शूट कर लिया थोड़ा सा। और सबको उधर देख रहे हैं वही लोग को, मतलब इधर और एक बोना आया था, और बोना मतलब क्या वो कैंडल होता है ना कैंडल, उससे वो कुछ कर रहा था। पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। वो मतलब खुद को दे मतलब उसका पेट में रख के जला रहा था वो अपना मोमबत्ती। मतलब मैं सोचने लगी अरे बाप रे बाप, देखिए क्या कर क्या रहा है, मतलब मुँह अपना मुँह से बुझा रहा है। अरे फूंक देना भाई, वो खुद बुझ जाएगा, उसको मुँह में डालने की क्या ज़रूरत है। अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, देख सकते हैं, देखिए बहुत ही वैसे मज़ा ही आया, वैसा कोई बुरा भी नहीं लगा था। अब निकलेंगे घर के लिए। बहुत अच्छा लगा, बाहर में थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि डेकोरेशन कुछ लाइट का था, इसीलिए वैसे कुछ खास था नहीं। फिलहाल अभी हम लोग सोचे कि चलो घर चलते हैं बोलते, तो चलो गोलू बोला एक दो फोटो उठा लेते फिर चलेंगे घर के, उसके बाद बोला अच्छा ठीक है चलो। फाइनली अभी हम लोग घर पहुँच गए। बाबू हाय बेटा, मुझे मिट कर रहा था क्या, मुझे मिट कर रहा था क्या, ठीक है बाबू पूरा देखो रो रो के उसका आंख सांसू पूरा गुस्सा हो गया बेटा, तुमको भी ले जाएंगे फिर से छोली छोली देखो कुछ ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए और अभी मैं डिनर भी कर ली। और जैसे कि गोलू अभी खा ही रहा है नीचे में, देख सकते हो बैठ के खा ही रहा है वो अपना। और जैसे कि अभी अभी भी चुप है। हाँ बेटा अभी ये सोने के लिए रोने खोज रहा है। अच्छा और मतलब बहुत ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था कि मम्मा मुझे फिर छोड़ के चली जाएगी, ये बोल के खा रही थी तब भी पकड़ के खा रहा था ऐसे, फिर मम्मा छोड़ के नहीं जाएगी बेटा। सुबह इस तभी बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। अभी उसको मैं सुला दी, बहुत आराम से वो सोया हुआ है जैसे कि देख सकते हैं। मच्छरदानी भी नहीं बांधे हैं यार, बहुत मच्छर काट रहे हैं, मच्छरदानी बांध देते हैं। सो वीडियो ही एंड करते हैं गाइस, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, मैं क्या ही बोलूँ वीडियोस पे जो है आप ठीक ही है वैसे बुरा भी नहीं है। तो फिलहाल चलिए मैं वीडियो ही एंड करती हूँ। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर अगर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ठीक है गाइस। तो फिर चलिए मिलते हैं आप सबसे एक न्यू और प्यारा ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।